सभी विद्यार्थियों का स्वागत और नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 11वीं के विषय जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है पर्ण की संरचना। ये जीव विज्ञान की सेकेंड यूनिट और लेसन नंबर 5 है, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों की आकार की। जैसा कि हमने इससे पहले की कक्षाओं में अध्ययन किया है, इससे पहले की क्लास में डिस्कस किया था कि पुष्पीय पादपों की आकार की के संदर्भ में यदि बात करें तो पुष्पीय पादप को हम दो भागों में विभक्त करें, परोतंत्र और मूलतंत्र। एक क्लास में हमने डिस्कस किया था मूल की संरचना कैसे होती है, इससे पहले की क्लास में डिस्कस किया था तने की संरचना कैसी होती है, उसके कार्य क्या होते हैं, रूपांतरण क्या होते हैं। तो मूल तंत्र अलग हो गए, परोतंत्र में पहला भाग पढ़ा हमने तने की संरचना, दूसरे भाग के रूप में आज पढ़ने जा रहे पर्ण की संरचना। जैसा कि हम जानते हैं कि पादप का मुख्य भाग जो सामान्य तौर पर हरे रंग का दिखाई देता है, चपटा होता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, उस स्ट्रक्चर को हम पर्ण के नाम से जानते हैं। और वही पर्ण फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाद्य पदार्थ का निर्माण करता है जो पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। तो ये पर्ण अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार की दिखती है। जैसे कि नीम का पौधे की पर्ण के देखें तो उसकी पर्ण अलग होती है, बबूल की पर्ण अलग होती है, केले की अलग होती है। तो जितने प्रकार के प्रकृति में पौधे दिखाई देते हैं उन सब की पर्ण अलग अलग होती है। सामान्यतः अधिकांश पर्णों की संरचना में कुछ एक लक्षण समान होते हैं और कुछ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उसी पर्ण की संरचना के संदर्भ में हम आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि मेरे पास में एक पर्ण है, जैसा कि ये डायग्राम बनाया हुआ है वैसा वैसा दिख रहा है। इस डायग्राम के अनुसार आपको लगता होगा कि पीपल की पर्ण है, लेकिन मेरे हाथ में जो पर्ण है वो पीपल की पर्ण नहीं है। तो इस पर्ण के अंतर्गत एक छोटा सा व्रंतनुमा संरचना होता है जिसकी सहायता से ये शाखाओं पर या तनाओं पर लगी होती है। इसके बाद में ऐसा एक व्रंत होता है, छोटा सा व्रंत, ठीक इस प्रकार की संरचना होती है। इसके बाद में एक चौड़ा भाग होता है, इस चौड़े भाग का आकार अलग अलग होता है। जब हम इसको प्रकाश में रख कर देखते हैं तो इसमें कई सारी धारियाँ दिखाई देना शुरू हो जाती है, जिन्हें शीरिकाएँ कहते हैं। इसका ये किनारा वाला भाग अलग अलग कहलाता है, अलग अलग प्रकार का होता है, शीर्ष भाग अलग अलग होता है। जब हम इसके ऊपर हाथ को घुमाते हैं तो ये चिकनी भी लग सकती है, या फिर कांटेनुमा संरचना के रूप में लग सकती है, या खुरदरी प्रवृत्ति होती है। उस ऊपरी सतह का रंग अलग है जबकि निचली सतह का रंग अलग है। तो इन पर्णों को यदि हम प्राकृतिक रूप से देखें और फिर इसमें अध्ययन करें तो हमें थोड़ा सा समझने में आसानी रहती है। तो प्रारंभ करते हैं हम कि इस पर्ण की उत्पत्ति कहाँ से होती है। उत्पत्ति के आधार पर पर्ण को हम तीन भागों में विभक्त करते हैं। तो मुख्य रूप से संधि की कक्षत कलिका से ये विकसित होता है, कक्षत कलिका से। ये तना है और इस तने की ये पर्व संधि, इस पर्व संधि पर इस प्रकार की कलिका विकसित होती है जिसको पर्ण कलिका कहते हैं, और यही आगे जाकर के पर्ण में विभक्त होती है। तो पहले हम इस सामान्य उत्पत्ति के बाद में उत्पत्ति के आधार पर इसके प्रकार कितने होते हैं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक पर्ण में होता क्या क्या है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक शाखा है, इस शाखा पर ये लगी हुई है। इस जिस पे जिस स्थान में लगी होती है वो हमेशा पर्वसंधि होती है। इस पर्वसंधि से छोटी सी व्रंतनुमा संरचना पाई जाती है, इसको पर्ण व्रंत कहते हैं। कई पादपों में पर्ण व्रंत पाया जाता है, कई पादपों के पर्ण में पर्ण व्रंत नहीं पाया जाता है। इस पर्ण व्रंत और
इस शाखा के आधारीय भाग के जोड़ पर पर्ण के समान ही कुछ छोटी संरचना पाई जाती है। इस संरचना को अनुपर्ण कहते हैं। अब अनुपर्ण सभी पादपों में पाया जाना जरूरी नहीं होता। इसके बाद में इस परम वर्ण से लगा हुआ एक चौड़ा भाग होता है। इस चौड़े भाग को स्त्रिका, लेमिना या पर्ण फलक के नाम से जानेंगे। तो मुख्य रूप से इसको पर्ण फलक के रूप में ही संबोधित करते हैं। इस पर्ण फलक के अंदर हो सकता है कि मध्य भाग में मोटी रेखा हो। कैसी रेखा हो? मोटी रेखा। इस मोटी संरचना को, मोटी रेखा समान संरचना को मध्य शिरा कहते हैं। हो सकता है कि मध्य शिरा नहीं पाई जाए, सभी शिरा एक जैसी हो। इसके पार्श्व भाग में पाई जाने वाली इन संरचना को शिराएं कहते हैं या शिरिकाएं कहते हैं। शिरिकाएं। पर्ण का जो किनारे वाला भाग है, इस किनारे वाले भाग को नाम देते हैं पर्ण कोश, और जो शीर्षत भाग होते हैं वो कहलाता है पर्ण शिखाग्र, लीफ एपेक्स के नाम से इसको जानेंगे। तो कुल कितने प्रकार के हो गए, क्या क्या भाग हो गए? अनुपर्ण हो गए, पर्णवंट हो गए, पर्ण फलक हो गए, पर्ण कोर हो गए, शिखाग्र हुआ, और शिरिकाएं और मध्य शिरा सहित सब भाग शिरा विन्यास कहलाएगा। तो एक प्रकार की पर्ण जो सामान्यतः पीपल के पर्ण का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसा भाग दिखाई देता है। अगर हम बबूल की पर्ण देखें तो इसमें स्तंभ से लगी हुई संरचना, जिसे हम पर्ण व्रंथ कहेंगे, पर्ण व्रंथ का ही भाग है, और इस पर छोटे छोटे कई पर्ण फलक लगे हुए होते हैं, इसको नाम देते हैं पर्णक। अब पर्ण व्रंथ तो हालांकि ये है, इसको रैकिस कहेंगे। अब इस भाग को नाम देते हैं इसकी रैकिला, जो कि मध्य शिरा से होता है। ऐसी पर्ण क्यों विकसित हुई? विकसित होने का कारण ये था कि ये पर्ण प्रारंभिक में या प्रारंभिक समय में इस प्रकार की थी, लेकिन फिर इस भाग से कटाव होना प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? कटाव। कटाव होने से ये एक टुकड़ा अलग हो गया, दूसरा ये टुकड़ा अलग हो गया, तीसरा ये टुकड़ा हो गया, इसीलिए पूरे पूरे पर्ण फलक छोटे छोटे खंडों के अंदर विभक्त हो गया। इनको नाम देते हैं पर्ण फलक। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की जब पर्ण होगी तो उसको हम सरल पर्ण के नाम से जानेंगे, और इस प्रकार की जब पर्ण होगी तो उसको नाम देंगे हम संयुक्त पर्ण। जैसे आप पर्ण संरचना का जब दो प्रकार के, सरल पर्ण, संयुक्त पर्ण। अब हमें क्या क्या पढ़ना है? पहली बात सरल पर्ण की संरचना पढ़ेंगे, उसके बाद संयुक्त पढ़ेंगे। क्या संयुक्त इसी प्रकार की होती है या और कई प्रकार के होते हैं? तो संयुक्त पर्ण के कई प्रकार हम पढ़ेंगे। अलग अलग पौधों के अंदर फलक की संरचना अलग होती है, शिराओं की संरचना अलग होती है, कोर की संरचना अलग होती है, शिखाग्र की संरचना अलग होती है, पर्णवंत अलग होता है, अनुपर्ण अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो हम इस पर्ण की संरचना के अंतर्गत इन सभी भागों को तस करते हुए इनकी संरचना कैसी होती है, उसमें कौन 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 से उदाहरण, कौन से पादप की लीप में या उसकी पर्ण कोर किस प्रकार की होती है, तो हम उदाहरण सहित और डायग्राम सहित इस टॉपिक को विस्तार से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले पर्ण की संरचना में पहले पढ़ते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, और उत्पत्ति के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। पर्ण की संरचना में सबसे पहले देखते हैं इसकी उत्पत्ति। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, ये हमेशा कक्षत कलिका से विकसित होता है, और ये कक्षत कलिका कहाँ की होगी? हमेशा स्तंभ की होगी, और स्तंभ पे जो कक्षत कलिका जिस जगह पे पाई जाएगी वो कौन सा भाग होगा? पर्व संधि से होती है। उत्पत्ति हमेशा इसी जगह से होती है, और ये पर्व संधि और पर्व हमेशा तने के अंदर पाया जाता है।
जिस कक्षत कलिका से पर्ण विकसित होती है उसको हम सीधे तौर पर पर्ण कलिका कह सकते हैं। तो कक्षत कलिका भी कहेंगे और पर्ण कलिका ज़्यादा उपयुक्त हैं, ज़्यादा सही है, क्योंकि वो पर्ण के रूप में रूपांतरित होती है। अब कक्षत कलिका अथवा पर्ण की उत्पत्ति के आधार पर हम पर्ण को तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। कितने भाग बनाए? तीन भाग। अब वो तीन भाग कौन कौन से हुए उसे थोड़ा सा व्यवस्थित प्रारूप से हम बना दें। तो पर्ण उत्पत्ति के आधार पर तीन भागों में विभक्त होती है या तीन प्रकार की होती है। पहली पर्ण होती है वो मूलज पर्ण कहलाती है। क्या कहलाएगी? मूलज अथवा रेडिकल्स टाइप की। इस प्रकार की मूल यहाँ पे हम लिख सकते हैं किसके आधार पे हुआ? उत्पत्ति के आधार पर। पहले प्रकार कौन सा हुआ? मूलज पर्ण। इस प्रकार के मूल में क्या होता है, जैसे हम मूली को देखते हैं अथवा तो गाजर को देखते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये गाजर है। गाजर के अंदर पाया जाने वाला ये मुख्य भाग जिसको हम खाते हैं वो कौन सा भाग कहलाता है? वो कहलाता है तना। और ये इसको हम खाने में क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि इसके अंदर खाद्य पदार्थ विशेष प्रकार के विटामिन ए का ये सोर्स है, इसलिए हम इसको भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त करते हैं, खाते हैं। अब ये जिस गाजर को हम खा रहे हैं वो कौन सा भाग है? वो तना भाग है। इस प्रकार से हम पहले पढ़े गए टॉपिक का रिवीजन, नए टॉपिक के साथ साथ में जहाँ कहीं पर भी वो एग्जांपल आता है हम रिवाइज करते रहते हैं, तो मेरे हिसाब से उसकी मेमोरी पावर बढ़ जाती है, याददाश्त बढ़ जाती है। तो ये मूल है, गाजर है। इस गाजर के ऊपरी भाग को थोड़ा सा भाग इस प्रकार की चपटा संरचना पाया जाता है दबा हुआ, और इससे ऊपर इसकी पर्ण विकसित होती है, ऐसा देखने को मिलता है। जब मैं इस पूरे पौधे को देखूं तो ऐसा लगता है कि पर्ण तो विकसित प्रकार की है लेकिन इसमें तना कहीं नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये क्या है? ये मूल है, तना कहीं नहीं दिखाई देता। ऐसी मूल पर्ण जो सीधे से मूल पर लगी हुई प्रतीत होती है, अर्थात वे पादप जिसमें तना हर्षित होता है और पर्ण सीधे से मूल पर लगी हुई होती है, उसको नाम देते हैं मूलज पर्ण। ऐसा किस में पाया जाएगा? ऐसा गाजर में देखने को मिल सकता है पर्ण को, और दूसरा मूली भी इसी का एग्जाम्पल है, मूलज मूल पर्ण पाई जाती है। अब ऐसा नहीं है कि हम लिखते तो हैं कक्षत कलिका से जो पर्व संधि से होता है तो तना इसके अंदर नहीं पाया जाता, तना होता है लेकिन तना अल्प विकसित होने के कारण एक छोटी सी अवशेष संरचना के रूप में पाया जाता है, विकसित प्रकार की पर्व पर्व संधि इसमें नहीं पाई जाती। तो हर्षित तना होने के कारण पर्ण सीधे सी मूल पे लगी हुई दिखाई देती है। दूसरी प्रकार की पर्ण होती है जिसको हम स्तंभिक मूल कहते हैं, स्तंभिक या इसको काउलिन मूल पर्ण कहेंगे। स्तंभिक पर्ण कैसी होगी? स्तंभ पे लगी हुई, ये मुख्य भाग स्तंभ, इसकी पर्व संधि है और इस पर्व संधि पर लगी हुई ये पर्ण कहलाती है, वो है स्तंभिक पर्ण। किस पर लगी हुई होगी? स्तंभ पर लगी होगी। अब स्तंभ और शाखाओं में क्या अंतर होगा? स्तंभ मुख्य भाग होगा और इसके पार्श्व भाग में लगी हुई संरचनाओं क्या नाम देंगे? शाखाएं नाम देंगे। सभी पादप जो नवोद्भिद हैं, जो एक से दो फीट तक होती है, जब तक इसमें शाखाएं नहीं लगती तब तक जो पर्ण लगी हुई होती है वो किस पर लगी होती है? स्तंभ पर लगी होती है। अब आग को देख सकते हैं, इसकी शाखाओं के ऊपर लगी होती है और स्तंभ के ऊपर भी लगी हुई होती है। फिर तीसरा जो प्रकार आता है वो आता है शाखीय प्रकार का, शाखीय पर्ण। अब शाखीय पर्ण का तात्पर्य क्या होगा? तात्पर्य ये होगा कि वो शाखाओं पे लगी होगी, शाखाओं पर उपस्थित। जितनी भी पर्ण हम सामान्य तौर पर देखते हैं वो सब की सब पर्ण शाखाओं पे लगी होगी, अर्थात मुख्य स्तंभ, स्तंभ से एक शाखा विकसित होगी और इस शाखा से पर्ण किसी भी क्रम के अंतर्गत लगी हुई हो सकती है, तो उसको क्या नाम देंगे? हम शाखित पर्ण कहेंगे या शाखीय पर्ण कहेंगे। उत्पत्ति के आधार पर पर्ण को तीन भागों में या स्थिति के आधार पर तीन भागों में डिवाइड करते हैं, मूलज पर्ण, स्तंभिक पर्ण और शाखीय पर्ण। अब हम ये देखते हैं कि इस पर्ण के आधार पर पाई जाने वाली संरचना होती है वो क्या कहलाती है? अनुपर्ण कहलाती है। तो अनुपर्ण किसको कहेंगे? पर्ण
वरंत के आधार पर उपस्थित पर्णिल संरचना, पर्णिल संरचना क्या कहलाएगी? अनुपर्ण कहलाती है। ये पर्ण के साथ में है, पर्ण के साथ में हम उसको पढ़ते हैं। अब यदि वो अनुपर्ण नहीं पाई जाए तो पर्ण कहलाती है अनुपर्णीय। क्या कहलाएगी? अनुपर्णीय, अर्थात अनुपर्ण अनुपस्थित होता है, पाए नहीं जाते हैं। तो डायग्राम कैसे बनेगा इसका? ठीक है, इस प्रकार कि इसको स्ट्रक्चर में दिखाई देगी, अनुपर्ण नहीं है। लेकिन यदि उस पर्ण के आधार भाग पर अनुपर्ण पाया जाता है तो ऐसी पर्ण को नाम देते हैं अनुपर्णीय पर्ण। इसका मतलब क्या हुआ? तात्पर्य यह हुआ कि पादप में अनुपर्ण युक्त पर्ण पाए जाते हैं। तो अनुपर्ण उपस्थित होता है। जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि ये एक प्रकार की पर्ण और ये पाए जाते हैं अनुपर्ण। अनुपर्ण की विशेषता ये होती है कि ये उत्पत्ति जब पर्ण परिपक्व होती है तब तक इसके साथ में लगे हुए होते हैं, उसके बाद में हो सकते हैं कि वो झड़ जाए, असुपाती हो जाए, या फिर पर्ण के साथ में लगे हुए हो। अब ये यदि लगे हुए हैं तो कौन सी स्थिति? जैसे दो लगा हुआ है, द्वि अनुपर्णी, एक लगा हुआ एकल अनुपर्णी, हो सकता है कि अनुपर्ण एक चक्र के रूप में पाया जाए, चक्रीय प्रकार का इस पर्ण पंथ के साथ में जुड़ा हुआ होता संलग्न प्रकार का अनुपर्ण कहलाता है। तो अनुपर्ण की कई सारी संरचनाएँ पाई जाती है। अब ये जो अनुपर्ण यदि प्रजेंट है तो हो सकता है कि ये पर्णिल संरचना से रूपांतरित होकर के कोई नई संरचना का निर्माण करे। अब नई संरचना का निर्माण का मतलब क्या हुआ? हो सकता है कि वो एक स्प्रिंग नुमा संरचना का निर्माण करें। क्या बनाएंगे? पड़ताल बनाएंगे। किसमें पाया जाता है? कुकरबिटेसी के प्लांट, जैसे तरबूजा है, खरबूजा है, इत्यादि के अंतर्गत अनुपर्ण है, वो एक स्प्रिंग नुमा संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इस संरचना को हम क्या नाम देते हैं? पड़ताल। पड़ताल क्या कार्य करेगा? पड़ताल की सहायता से पादप दूसरे पादप से अथवा किसी सहारे से, सहारे की सहायता से ऊपर की ओर वृद्धि करता है, अर्थात ये संरचना आरोहण में सहायता करती है। हो सकता है कि अनुपर्ण शुष्क होकर के कांटेनुमा संरचना के रूप में बदल जाए, तो कांटे बनाता है। और ये किस में पाया जाता है? जैसे बोगनविलिया के अंदर पाया जाता है। क्या करेंगे? पादप भाग को सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो ये अनुपर्ण पर्ण के लिए और पादप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो कई प्रकार के कार्य संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार से हमने पर्ण की आज की प्रारंभिक संरचना में क्या पढ़ा है कि पर्ण की संरचना क्या होती है, उसकी उत्पत्ति और अनुपर्ण के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पर्ण वरंत कैसा होता है और पर्ण फलक कितने प्रकार के होते हैं। थैंक यू।